सो गाइस अभी देखिए अभी शाम का 6 बज रहा है और आसमान का मतलब रुख देखिए उधर तो। ये मेरे पीछे देखिए उधर केकेआर की टीम आ रही है और ये रहे रिंकू भाई और नीतीश भाई। दर्शक को ध्यान में रखते हुए हमारी सर्विस थोड़ी के लिए स्थगित कर दी गई है, सुविधा के लिए हमें खेद है, धन्यवाद। मे आई हैव अटेंशन प्लीज। पता नहीं क्या हो रहा है, सारा अभी लाइट बंद कर दिया गया है, डर लगना शुरू हो चुका है, डर लग रहा है। होपफुली सेफली लैंड हो जाएंगे हम लोग। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग हैं अन्नामुरु बेंगलुरु एयरपोर्ट पे और यहाँ से हम लोग की फ्लाइट है कोलकाता के लिए 2-3 घंटे बाद। तो फिलहाल यहाँ आ गए हैं और आपने और भी वीडियोस में मेरे यहाँ का तो व्यू देखा ही होगा, बहुत ही बेहतरीन है। तो फिलहाल तो अभी हम लोग चलते हैं, बहुत जोर की भूख लग रही है तो पहले जाएंगे कुछ खाने के लिए देखें, क्योंकि हम लोग का ब्रेकफास्ट तो स्किप हो चुका है। तो देखते हैं एयरपोर्ट पे क्या मिलता है खाने के लिए। वैसा तो यहाँ उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट होगा और हो गई वो, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब खाया था तो 800 रुपये में 2% हो गए थे। अभी देखते हैं कैसा क्या है। तो ठीक है, जाता हूँ पहले मैं उधर, देखता हूँ फिर क्या कैसे। फिलहाल भाई साहब एयरपोर्ट पर बैठ के छोले चावल खा रहे हैं। 500 रुपया का 500 रुपीज का ये चावल छोले है और साथ में लस्सी और गुलाब जामुन भी दिया है कंपलसरी खुश करने के लिए ना। तो मेरा भी खाना आ चुका है लंच। ये है मेरा लंच, एग नूडल्स और ये तो गोभी जो होता है बंदा गोभी वो है और ये थोड़ा सा ग्रेवी, बस यही होने वाला लंच। दीपक भाई आर यू एंजॉय, मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा। ठीक है तो मैं इसको फिनिश कर लूँ, बाकी टेस्ट ओके ओके है, खा लेता हूँ मैं, भूख बहुत ज़्यादा जोर से लगा होगा। तो हम लोग का लंच हो गया है और बहुत ही कॉस्टली लंच था और तीनों ने 3 जगह से अलग अलग जगह से लंच किया है। तो फिर अभी हम लोग निकलते हैं, फिलहाल फ्लाइट का भी टाइम होने वाला है, थोड़ा देर में बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला है तो निकलते हैं। वेन बाकी सब अच्छा है बट खाना थोड़ा और बेटर रहता तो मज़ा आता। और दीपक भाई को जो तकलीफ़ है, क्या तकलीफ है दीपक भाई? हाँ, मगर गुलाब जामुन और लस्सी मिला उनको फ्री में, तो उनको राहत भी मिला थोड़ा। मक्खन लगाया, मक्खन फ्री में देंगे, पहले चूना लगाया उसका तो मक्खन लगाया। चलो फिर आगे। तो दोस्तों ये जो है ये सेंसर बेस वाटर टंकी है, जब तक आप इसके सामने खड़े रहते हैं, हाथ लगा के रखते हैं तब तक पानी गिरेगा और जैसे आप हटते हैं तब पानी गिरना बंद हो जाएगा। तो हम लोग प्लेन के पास पहुंच तो गए, हमारा स्क्रीन देखिए स्क्रीन कितना ज़्यादा है। ये 4th फ्लाइट जो जर्नी है बट 1st टाइम ऐसे एंट्री हो रहा है इस तरीके से, मतलब हम अंदर जा रहे हैं और सामने केबिन। गुड इवनिंग मैम। अभी पूरी फ्लाइट खाली है क्योंकि मैं 2nd पर्सन हूँ जो इस फ्लाइट में आया है। तो इस बार सबसे पहले हम लोग आए हैं फ्लाइट में और उधर वो भाई सामान डाल रहा है। अभी अभी सब आ ही रहे हैं, पूरी फ्लाइट लगभग खाली है। रील्स अभी बहुत बढ़िया बन सकता है अगर रील्स बनाना चाहे तो, ऊपर तो कोई रील्स बना नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फ्लाइट मोड पर रहता फ़ोन तो रील्स बनाना संभव नहीं है। अभी कोई बनाना चाहे तो बना सकता है। और 4 बज गए हैं मगर यहाँ अभी धूप बहुत तेज निकला हुआ है, क्या हो रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता शायद फ्लाइट में पेट्रोल का कुछ काम हो रहा हो, इंडियन ऑयल इसका ही। सो अब हम लोग बेंगलोर एयरपोर्ट को छोड़ के निकल रहे हैं, बस बेंगलोर से भी कुछ ही चंद लम्हों में, चंद सेकेंड में
उड़ निकलेंगे और इस शहर को भी छोड़ के किसी और शहर में कुछ ही घंटों में, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। तो रनवे पे ऑलरेडी एक फ्लाइट है अभी दोस्तों, और हम लोग भी रनवे पे पहुंच चुके हैं और सेम ही तरफ जा रहे हैं जिधर वो है, हमारी भी फ्लाइट उसी तरफ है। थोड़ा सा अगर स्पेस मिलता तो मैं आपको और सही से दिखा पाता। तो एक बार फिर से हम लोग रेडी है फ्लाई करने के लिए, और ये पिछले 3-4 दिन में चौथी बार फ्लाई करेंगे हम लोग। यस, हमारे साथ अंकल भी हैं। तो मजा आ रहा अंकल? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा ना? डर नहीं लग रहा ना? नहीं, डर नहीं, पहली बार बैठ रहा था। चलिए एंजॉय कीजिए। ये एक फ्लाइट है थोड़ी सी दूरी पे, पहले वो निकल रही है, शायद पहले वो टेक ऑफ करेगा, उसके बाद हम लोग करेंगे। बैंगलोर आईटी सेक्टर होते हुए भी देखिए कितने सारे खेत खलिहान है, ये एयरपोर्ट के बहुत करीब है और पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ के लोग हरियाली पसंद लोग हैं बहुत सारे, मतलब देख सकते हैं। तो शहरों में भी इस तरीके से रहना चाहिए। फिलहाल मैं बैंगलोर का चिन्ना स्वामी स्टेडियम खोज रहा हूँ, दिखे तो बढ़िया रहेगा। पूरा बैंगलोर स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम दिख गया बैंगलोर का। उधर ये रहा क्रिकेट स्टेडियम बेंगलोर का, बहुत ऊपर है, यहाँ से ज़्यादा दिख नहीं रहा है। और देख सकते हैं शहर भी कितना प्यारा है, और घर वर तो बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं। और अब हम लोग बादलों के बीच में, पूरा बादलों को चीरते हुए निकल रहे हैं। सो गाइस, अभी देखिए अभी शाम का 6 बज रहा है और आसमान का मतलब रुख देखिए, उधर तो कलरफुल है बट नीचे कुछ नहीं दिख रहा, पूरा मतलब समुंदर बना हुआ है, बहुत ही मतलब खतरनाक वाला है। ये तो मैंने उम्मीद भी नहीं किया था कि हाँ ऐसा भी होता होगा, ऐसा भी होता होगा या ऐसा भी होगा। उधर थोड़ा सा है सिर्फ, बाकी इधर सारा मतलब पता नहीं अभी किस वजह से है। ये देखिए, ओए होए 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 होए, मैं अभी फ्लाइट के दौरान सो गया था और उठा हूँ तो पता है क्या देखता हूँ, क्या दिखता है एक मिनट। ये देखिए, और ये देखिए, अप्रोक्सीमेटली सेम जैसे किसी ने आके पेंट कर दिया हो, लाइक कंप्यूटर वगैरह में ड्राइंग करते हैं ना, तो पूरा ऐसे हो के। ये देखिए उधर सामने में जो ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा था, उसके सामने से ब्लैक कलर के बादलों का झुंड आगे की तरफ बढ़ रहा है, जो उसको मतलब रोक के रखा है। मौसम खराब है, शायद बारिश हो ऐसा मुझे लगता है। ये पूरा बादल काला काला हुआ हुआ है, इसी वजह से हम लोग को ढीले भी हो रहा है उतरने में। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारी सर्विस थोड़ी के लिए स्थगित कर दी गई है, सुविधा के लिए हमें खेद है, धन्यवाद। तो अभी कैप्टन ने अनाउंस किया है कि मौसम वेदर खराब होने की वजह से हम लोग कोलकाता से 200 किलोमीटर की दूरी पे ही अभी रहेंगे। हो सकता है हम लोग को 15 से 20 मिनट का डिले हो, बट ऑलरेडी हम लोग का जो लैंडिंग टाइम था उससे ज़्यादा हो चुका है, और वेदर खराब है तो कुछ नहीं बोल सकते, क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी एक ही चीज़ याद आ रहा है, पठान का डायलॉग, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है, और सच में मौसम बिगड़ चुका है। तो अभी मैं फ्लाइट के वॉशरूम में हूँ, और वॉशरूम देखिए कितना बड़ा है, शुरू होते ही खत्म, मतलब एक आदमी मुश्किल से खड़ा हो सकता है, इतने बड़े वॉशरूम है बस। और अभी हम लोग का मतलब फ्लाइट बहुत डिले हो रहा है क्योंकि मौसम के वजह से, मौसम खराब है, और अब तक हम लोग कब का लैंड कर चुके होते, और साउंड भी बहुत आता है यार यहाँ वॉशरूम में खास करके। अभी सब वेट कर रहे हैं लैंडिंग का, और लैंडिंग में बहुत टाइम बाकी है अभी ना, अभी तो कम से कम तो 20 मिनट से ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। पता नहीं क्या हो रहा है, सारा अभी लाइट बंद कर दिया गया है।
सारा लाइट बंद है, बाहर का भी देख सकते हैं वेदर कितना ख़राब हो रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए वीयर स्कर्ट लिटिल बिट, थोड़ा डर लगना शुरू हो चुका है, डर लग रहा है। होपफुली सेफली लैंड हो जाएंगे हम लोग, उम्मीद पर दुनिया गायब है। अभी सिर्फ ऊपर से लाइट ही लाइट दिख रहा है, हम लोग किसी बहुत मतलब परे इलाके में जहाँ पे लाइटिंग बहुत है। मे भी हम लोग कोलकाता पहुँच चुके हैं और इधर कार पार्क है, लग रहा है ज़्यादा दूर तक लाइट ही लाइट सिर्फ दिख रही है नीचे में। तो हम लोग सेफली लैंड कर गए हैं और देख सकते हैं इधर कितना बारिश वारिश हुआ है, यहाँ भी बारिश की बूंद आ गई, तूफान आया होता इधर। फाइनली हम लोग उतर गए हैं, प्लेन के बाहर भी आ गए हैं। और लेट होने का सबसे बड़ा कारण क्या है मालूम है? ये देखिए, यहाँ तो वैसे तूफान आता रहता है मगर जिस तरीके का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी कितना गीला, बहुत खतरनाक बारिश हो रहा था। सुनने में आया कि तूफान आया तो ठीक है, अभी तो हम लोग निकल गए हैं, जाए पहले अपना लगेज ले, और फ़ोन में चार्ज भी ज़्यादा नहीं बचा है, 3% चार्ज है, इसका भी जुगाड़ लगाना पड़ेगा। चलते हैं अपना सामान लेने के लिए। मौसम की वजह से हम लोग 45 मिनट्स डिले हो गए, जो हम लोग 45 मिनट्स पहले पहुँचते हैं कोई बात नहीं, ज़िंदगी उतार चढ़ाव होती रहती है। बट हाँ, पायलट्स जो थे इतना सेफली लैंडिंग किए हैं, मतलब एहसास नहीं हुआ कि कब लैंड कर गए हम लोग। क्रू मेंबर्स भी बहुत बढ़िया थे। कुछ ऐसा हालत है अभी एयरपोर्ट का, पूरा कोलकाता सुना है कि भीगा हुआ है, कितना बारिश हुआ है। हम बहुत ज़्यादा लकी हैं, इतने खतरनाक फ्लाई के बाद जस्ट नीचे उतरे हैं। और खबर सुनने को मिला है कि केकेआर की टीम भी लैंड की है साथ में, जो कि बस अभी आ ही रही है, इसके लिए देख सकते हैं इंतजाम। और एक दो प्लेयर आ भी गए हैं, ये मेरे पीछे देखिए उधर केकेआर की टीम आ रही है। और फाइनली केकेआर की टीम हम लोग के पास से जा रही है, और ये रहे केकेआर के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह और कैप्टन नीतीश राणा। हेलो सर, नीतीश राणा, वरुण चक्रवर्ती, और ये कुछ लॉकी फर्ग्यूसन, और वो रहे जेसन रॉय, इंग्लैंड के धाकर और खतरनाक बैट्समैन। और ये केकेआर की बस इस सीसीयू से निकल रही है, जा रही है लोग। और सो हे गाइस, आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा, पहले तो जब हम लोग फ्लाइट में चढ़े उसके बाद जो डिले हो रहा था मौसम बिगड़ने के कारण, वेदर बिगड़ने के कारण हालत ख़राब हो रही थी, और फ्लाइट में सब लोग डरे हुए थे, डर रहे थे। फिर उसके बाद जो जैसे ही हम लोग सेफली लैंडिंग कर गए तो उसके बाद दिन अच्छा भी हो गया, क्योंकि हम लोग जब एयरपोर्ट में वेट कर रहे थे तो चेन्नई की फ्लाइट आई, और चेन्नई से तो केकेआर अभी जीती है कल, चेन्नई से जीत के आई केकेआर, और उससे मुलाकात भी हो गया, नीतीश राणा से मिले, पूरे मतलब केकेआर टीम से मिल ली है, बहुत ही मज़ा आया। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी, जितने भी वीडियो थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बने और हमारे को सपोर्ट करें, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही और भी वीडियोस में हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, मिलते हैं फिर किसी वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, टू सब्सक्राइब।